वीडियो है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, अर्थात स्केलर क्षेत्र और वेक्टर क्षेत्र। हम जानते हैं कि स्केलर राशि को बताने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। और किसी भी भौतिक राशि का मान किसी भी स्पेस में या आकाश में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, परंतु किसी विशेष बिंदु पर उस भौतिक राशि का मान सिंगल होता है, एकल मान होता है। सदिश राशि जिसको बताने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण भी आवश्यक होता है। तो चूंकि एक ऐसी भौतिक राशि जिसका किसी स्थान में किसी बिंदु में उसका मान एकल होता है, सिंगल होता है, और एक बिंदु की स्थिति का एक सतत फलन होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि स्थिति का फलन है अथवा बिंदु फलन है। अर्थात अगर किसी भौतिक राशि का एक बिंदु पे मान निश्चित होता है तथा दूसरे बिंदु पे उसका मान दूसरा होता है, तीसरे बिंदु पे उसका मान तीसरा होता है, परंतु हर बिंदु पे उस भौतिक राशि का मान निश्चित होता है, तब उस भौतिक राशि को हम बिंदु फलन कहते हैं। और यह फलन जिस स्थान पे भौतिक राशि को व्यक्त करता है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस स्पेस को हम फील्ड कहते हैं और क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, उसी तरह से स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड नाम के दो क्षेत्र होते हैं। अब हम देखते हैं पहला स्केलर फील्ड। यदि एक स्केलर भौतिक राशि अर्थात अधिक भौतिक राशि जैसे ताप हो गया, विभव हो गया, किसी क्षेत्र में स्थिति का एक सतत फलन है और उस स्थान पे उस अधिस क्षेत्र का एकल मान है, तब उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पे वो भौतिक राशि स्केलर क्षेत्र या अधिस क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात यदि स्केलर कोई स्केलर राशि अर्थात अधिस राशि फाई है और आकाश में कोई बिंदु एक्स वाई जेड है, जो कि फाई जो है एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, तब उसकी अधिस क्षेत्र को हम फाई बराबर फाई एक्स वाई जेड के रूप में व्यक्त करते हैं। जो फलन फाई एक्स वाई जेड है, ये क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पे अदिश राशि फाई का मान बताता है। उदाहरण के लिए धात्विक क्षण में ताप का वितरण, ये जिसका एक सिरा गर्म होता है तथा दूसरा सिरा ठंडा होता है, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का वितरण, गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव का वितरण, ये एक अदिश क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो साधारण रूप से हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा स्थान जहां पर कोई भी भौतिक राशि जो कि परिमाण पे निर्भर करता है, एक निश्चित बिंदु पे उसका मान निश्चित होता है, तब उस क्षेत्र को अदिश क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यदि कोई भौतिक राशि किसी भी स्थान पे सिर्फ परिमाण पर निर्भर करता है, तब उसको हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। दूसरा इसका सदिश क्षेत्र। यदि कोई भौतिक राशि जो कि एक सदिश है, जैसे एफ, जैसे वेग हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, यदि किसी क्षेत्र में किसी स्थान में स्थित एक्स वाई जेड का एक सतत फलन है, तब हम उस स्थान पे ये मानते हैं कि वहां पे एक सदिश क्षेत्र है। अर्थात यदि किसी स्थान पे कोई भौतिक राशि परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है, तब उस भौतिक राशि के लिए वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर जो सदिश फलन है, उसका परिमाण एवं दिशा निश्चित होता है तथा ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते जाते हैं। मतलब एक बिंदु पे उसका परिमाण और उसका दिशा तो निश्चित होगा, परंतु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे उसका मान बदलता जाता है। इस तरह से अगर इसको हम ग्राफी में देखें तो ये एक वक्र रेखा के द्वारा व्यक्त होता है, जिसे हम प्रवाह की रेखा या फ्लक्स रेखा कहते हैं। एक फ्लक्स रेखा के किसी भी बिंदु पर जो सदिश का परिमाण बताया जाता है, तो उस रेखा के लंबवत एक छोटा सा पृष्ठ खींचने पे
जो एकांक क्षेत्रफल होता है उसमें जितने बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं की संख्या को हम उस सदिश का परिमाण कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का वितरण, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वितरण, ये सब सदिश क्षेत्र कहलाते हैं। सदिश क्षेत्र को फ्लक्स रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं जो कि सदिश फलन की दिशा बताता है तथा उन रेखाओं के लंबवत एक क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल में जितनी रेखाएं गुजरती हैं उसको हम फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इस तरह से अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का उस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर उसका मान एकल होता है, मतलब सिंगल वैल्यूड होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। हमारे कंटिन्यू वीडियो आते रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 11 12th। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।